ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में जो मैं जितने भी बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है गाइस, आप लोग जो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना ताकि जो है आप लोगों को सबको समझ आए एंड मेरी वीडियो का जो है ऑडियंस रिटेंशन वो भी थोड़ा ठीक ठाक बना रहे। तो गाइस प्लीज यार वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बाकी कैसे अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो भाई सबसे पहले तो आप सभी को जो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को करना है आप लोग को चले जाना ऐड फोटो, मैंने यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड अगर जैसे यहाँ पे अपन अपने मॉडल को ऐड करोगे तो आपको करना है आपका फुल स्क्रीन करके आपको जो अपने मॉडल को जिस टाइप से ऐड करना है। एंड जो हाइट वगैरह जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए आपके मॉडल की जो कि बैकग्राउंड के हिसाब से। हम यहाँ पे वीडियो में ध्यान से देखो जैसे जितना मैं हाइट रख रहा हूँ आपको उतना ही रखना है, ठीक है, एकदम मीडियम साइज में। देन उसके बाद आपको करना है आपको अपने मॉडल का जब ऐड कर दोगे तो आपको रेजर टूल में जाना है, रेजर पर क्लिक करके आपको जो ओपेसिटी हार्डनेस कम करना है एंड साइज को थोड़ा इंक्रीज करना है। देन उसके बाद आप सभी को जो है साइड से इतना इतना इरेज कर देना है ताकि जो है आपका मॉडल जो है डस्ट के पीछे चले जाए, ठीक है, इस तरीके से कर देना है। देन उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जो है यहाँ से सिंपली चले जाना है ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को एक बैकग्राउंड वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे सिंपली एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। एंड इसको ऐड कर देने के बाद आप लोगों को क्या करना है आपको उसके यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आप इसको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसको मूव डाउन कर देना है। देन इरेजर टूल में जाकर आपको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद आप सभी को जो यहाँ पे अपने बैकग्राउंड मतलब कि आपके बिहाइंड द पीछे की तरफ में जो है आप लोगों को यहाँ पे शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे आप यहाँ पे शेडो क्रिएट कर लोगे तो आपको हैंड के पास भी यहाँ पे शेडो क्रिएट करनी, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यार जब मैं भी वीडियो बना रहा था तो उस टाइम मैं भी एक दो बारी भूल गया था तो मेरे को दोबारा से एडिट करना पड़ा, मतलब वीडियो बनानी पड़ी, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद जो आप सभी को इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर करना है आपको यहाँ पे सिंपली जो इरेजर टूल से मतलब यहाँ पे जो कुछ एरिया रह गया था मैं उसको इरेज कर लेता हूँ। बाकी उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे और कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सिंपली इसको डन कर देना है। देन उसके बाद आप सभी को दोबारा ऐड फोटो में जाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे दोबारा ऐड फोटो में जाना है, यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक ये पीएनजी लालटेन का, ठीक है। एंड इसको ऐड करने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस देखिए इसमें जो तो आपको थोड़ी एडजस्टमेंट भी करनी है तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। पहले हम इसको यहाँ पे हैंड पे जो है मतलब पहले अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, देन बताता हूँ आप सभी को इसमें एडजस्टमेंट क्या करनी है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिंपली लेके चलेंगे हम लाइट रूम सॉरी इरेजर टूल में। एंड यहाँ से इरेजर टूल में ले जाने के बाद क्या करना है आप सभी को, यहाँ पे सिंपली जो इरेजर पे क्लिक करना है, हार्डनेस को फुल करना है एंड यहाँ पे जो है साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपको इरेजर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ से इरेज कर देना है जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। यहाँ से इतना इरेज हो जाने के बाद फिर आप सभी को करना है आपको यहाँ पे सिंपली डन करना है। एंड देन उसके बाद एडजस्टमेंट क्या करनी है आपको, यहाँ पर एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद पहले तो उसकी ब्राइटनेस कम करनी है आप सभी को, एंड ब्राइटनेस कम कर देने के बाद आपको सैचुरेशन भी थोड़ी सी कम कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को हाईलाइट लेना है, हाईलाइट को भी यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देना है। एंड उसके बाद आपको फिर करना है आपको हमें सिंपली डन करना है इसको। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना है आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड यहाँ से ऐड करना है एक लाइट का पीएनजी जो कि कैसे हमारे लालटेन में से निकल रही होगी उसको दिखाने के लिए। तो यहाँ से हम सिंपली लाइट के पीएनजी को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। एंड ऐड पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली चलेंगे ब्लेंडिंग मोड में एंड यहाँ से जो है हम इसको रखेंगे डार्क नहीं रखेंगे, यहाँ से हम इसे रखेंगे ऐड, ठीक है, क्योंकि इससे जो ज़्यादा ही मतलब कि ज़्यादा लाइट निकल रही है, चाहे तो हम लाइटन भी रख सकते थे बट इसमें इतना जो है ग्लो नहीं हो रहा है ऐड में, ठीक है, तो ऐड रखेंगे इसको हम, ठीक है। तो इतना कर देते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है आपको सिंपली यहाँ पे अपनी फोटो को डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को अब जो यहाँ पे गाइस अपनी फोटो को सेव कर लेना है क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी काम नहीं है, अब सिर्फ काम हमारा लाइट रूम ऐप का जिस वो कि इसमें देखे एक रियलिस्टिक सा लुक। तो लाइट रूम ऐप में हमने फोटो को ऐड कर रखा है तो आपको क्या करना है आपको लाइट वाला ऑप्शन में जाना है, देन उसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है, हाईलाइट्स को जो है इसको भी इंक्रीज करना है एंड जो शेडो है इसको भी इंक्रीज कर देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है थोड़ा सा ब्लैक्स को कम कर देना है एंड देन उसके बाद आपको व्हाइट को इंक्रीज करना है। देन उसके बाद आपको चले जाना है कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, जो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर चले जाना आपको मिक्स में, मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका ल्यूमिनस आपको बढ़ाना है एंड उसके बाद जो सैचुरेशन इसको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर उसके बाद लेना आपको येलो कलर, इसका ह्यू जो है ऑरेंज टोन की तरफ कर देना है एंड जो इसका सैचुरेशन इसको प्लस कर देना है। फिर उसके बाद आपको करना आपको जाना डार्क ब्लू में। अब जैसे कि देखिए ह्यू जो है आप उससे हो तो स्काई ब्लू भी रख सकते हो एंड उसके बाद अगर आपकी मर्जी है, ठीक है, यहाँ पे आप जो मतलब डार्क ब्लू भी रख सकते हो। सो इतना हो जाने के बाद आपको चले जाना इफेक्ट वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पर फिर क्लियरिटी को इंक्रीज़ करना है एंड उसके बाद आपको इसमें विगनेट डाल देना है एंड इसके नीचे आपको जो है यहाँ पे फीदर्स को इंक्रीज़ कर देना है। देन चले जाना नीचे वाले टूल में एंड यहाँ पे आपको शार्पनेस इंक्रीज़ कर देना है एंड फाइनली आपकी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। सो आशा करता हूँ आप सभी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आता वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।